बैठे तरुण की आवाज में थोड़ी ही ऊंचे आवाज में शुरुआत करो। मोहम्मद वाले मोहम्मद दुआ है हमारे सिख ने हाजरी मंजूर मकबूल फरमाए। मैं कबल से कि मैं जिक्र पाक वास्ते लगभग शाही करा हूँ ना बादशाह मत जिक्र मैं शाही खाकी जुबान न किस अंदाज न कर सकता हूँ जिन्ना दे घर दे झाड़ू का नाम योता है रखूँ तकहीरा होए नहीं भाई सकूल तो ला के हूँ 41-42 साल बदले हैं सकूल तो ला के आज दे दे तई रहती नंबर कदे लै नहीं अगर दिल ते दस्तक हो गए कुंडा खड़के तो वत ना रहे ये हाथ रख दा पर सारे मारे अगर रूह लौले तो कोई नहीं बादशाह हो जाए तो लागे ढेर बैठे का होर दे वाले बोल लमड़ा सौदा है नियत दा उन बादशाह मद जिक्रे जिन्ना दे घारे च उठण बाण बोलण दा नाम कुराने तो कोई लालच नहीं हाजरी मकसूद आई तो हो गई सौदा है नीयत का भाई मदीने वाले नबू में तो शाही बंदा नीयत ना लाया भावे रंग का काला मोटे मोटे हैं वाल उबराले हैं जुबान चिचड़ी आई नीयत जो पसंद आई है बिरादरी नुआ कह तू वड्डे लगी अजान नहीं देवनी तो अजान नहीं देवनी शरीका शरीका होता है उस अगर तू समय रोक दिता है जितू मेरा हाथ पे उसे मैं रोक इतनी ढल लगती है मैं ना कोई घंटा पढ़िया ना कोई मैं छिमाई हो गई उस अगर तू समय रोक पूरी ताकत नाल हर हलाली दिमाग में है भाई तू सब मैं रोक गया है कि तू मेरा हाथ पे आओ तू मैं रुके स्पीकर को छे सत्ता आता है कि मैनू कोई नहीं पता मैं के पढ़ता था भाई तू सब मैं रोक गया है कि तू मेरा हाथ पे आ मैं रुके बच्ची कर मैं तो आप ऊंचा पढ़ना है जाऊ कि दिन तो मैं कि दिन जाऊ तू सब मैं रोक गया है कि तू मेरा हाथ पे आ मैं रुके सा नौकर भी दौड़ो की शाही सरदार नहीं सीधा दौड़िया दरवाजा पर दिया रदिया तकिया शफिया सैन दबू थे आया सजदे सर की पे दया दर पे है मेरी मखदूमा रंग का काला बनाया तो मेरे अल्लाह होठ मोटे बनाए तो मेरे अल्लाह बाल घुगरे आले बनाए तो मेरे अल्लाह जुबान चिचड़ी होई है तेरे बाबे मोहम्मद मुस्तफा दे इश्क च जुबान चिचड़ी होई है तेरे बाबे मोहम्मद मुस्तफा दे इश्क च इतना मैं रोके मखदूमा कायनात थोड़ी देर के बाद फरमाया फिजा जा मन के मेरे चाचे मात मोहम्मद की सच्ची धी भैया दी इतना तैन रोके तू कायनात हो इतना तैन रोके तू कायनात रोक दे भाई एक मदीने वाले आता कीती हमशी बाबा जी भावे रंग का काला हा भाई कायनात दिया नब्जा का हमशी का हाथ है जै जमना है वो जम नहीं सकता जै मरना है वो मर नहीं सकता सौदा है नियत का नजात कुरानों में कमाल बाबा इशार हुसैन बेदार मरहूम दे बाबे और अगले चार लाइना मैं जनाब तक पहुंचा के जल्दी जल्दी बादशाह हुसैन की इज्जत दो शेर सुनावन तदाकरा के हवाले मेंबर करना है मैं गुजारिश कर रहे हैं मैं फातेह करबला तू सदके परेशान नहीं होना साढ़े महल जाकर की मजलिस नहीं है माहौल रहा है मैं क्या गुजारिश की थी मैं फातेह करबला तू सदके सखी तू सदके सखा तू सदके बड़ी गल है चलो मेरे बारे सेट हो गया मेरे बिरा पढ़ नहीं सके गुजारिश की मैं फातेह कर बला तू सदके सखी तू सदके सखा तू सदके सरापा साहेब हया तू सदके अजीम साहेब वफा तू सदके भाई रत्ते टिप्पे सराय की घाट बोली जाती भाई जी
रत्ते डिब्बे सरेकी घाट बोली दिए ऐसी की तो आदुए ते सुनामणी विद्वान में बाबे और फरमाया मैं फाते करबला तू सदके सखी तू सदके सका तू सदके सरापा साहेब भाईया तू सदके अजीम साहेब वफा तू सदके भाईजान इतनी यारी सदके होण की जरूरत क्यों पई है बाबा सरदार सा ख्याल जरूरत है वजह तू पई है जे नाता पढ़दा है तस्बीह 70 ओ देना है बदले ने विच 72 रसूल दी इब्तदा तू सदके हुसैन दी इंतहा तू सदके रसूल दी रसूल दी इब्तदा तू सदके हुसैन दी इंतहा तू सदके दो सैयद सरदार मेरे सामने बैठे बाबा जी कलमा शायद हो जी ये 60 साल का बंदा जब भरे तो आदमी की हो मुसलमान हो गए मैं कलमे की गल पिया करे ना कि लड़ाई पौती नहीं जे बंदा चूल्हे ते बैठे ही आ गल सोच ले पर कलमा अपनाया कहें कलमा भाइयां पुचाया कहें बाकी आता घरे से गली यार ऊंची सलवात पढ़ो साई सजदे में सजदा है जो पीर की याद आ जाए वो सजदे
आला जाकिर ना आया ही कोई ना, हालांकि वो बैठे आप कहीं नहीं भाई इस दिन मकाम पे बैठे। सजदा सांस लेता है कलमा, सांस लेता है मैं गया करबला ए मौला, बाबा जी अखी नाल जेड़ा कुछ वेख आया जनाब तक पहुंचावना है इन्हें भाई। मैं ये शब्बीर की जन्नत करबल में देखा है, मांग नहीं सुनता ने करबल जहमत कब देता है। इज्जत क्या है, अजमत क्या है, समझ आवे तो बोलना है इन्हें भाई। आखिरी शेर ते एक सानी बकाया बाबा जी मेरे कशकोल जनाब तक पहुंचा में ये भाई शिया मर जावे, समझ नहीं आती कबारे समा के मोटे लेंदे। हालांकि मोया बंदा विराज नु सुनता कोई नहीं, आधे के भाई सांस लेता है ऊंची सलवार पढ़ो फिर भी बाजमात सलवात पढ़ो सारे भाई। अली बादशाह ते शिया मर जावे ते कबारे समझदे बाबा जी आधे केड़ी गल है भाई, मजलिस ते आवण दा कोई मकसद है ना, वजह केड़ी है कि भाई हम शब्बीर के नौकर जब भी दुनिया से जाते हैं वारिस खुद तलकीन पढ़ाने बंदा ले आते हैं। पूरी ताकत नाल है मेरे बाद आलम दीन मौजूद है शेर जनाब तक पहुंचाना कि भाई हम शब्बीर के नौकर जब भी दुनिया से जाते हैं वारिस खुद तलकीन पढ़ाने बंदा ले आते हैं। किस माए बहम का मतलब है चाहे कब्र में भी हो, इस माए बहम का सांस लेता संजींद सारे मौलाली दे सहारे संजींद खुराक ना पानी तेरी निबदी कि पैया मौला जदा भुख लगे तेरे
तेरे दुश्मन ते लानत करे ना ज्यादा प्यास लगे तुहाडी जात ते सलवात पढ़दा कबूतर दा कल्ला मैं नहीं पूरे जंगल दे परिंदे असा जींद पाए हजारे शाहे मशरकैन भेजन मवाली ता बस वसीला बनते ने पैसे बैदो हुसैन भेजे लगे हुए हैं मेरे वास्ते ना ये रखे पुत्रां दे काम आ गया या सच्चा
संख्या मेरे आका फरमाए कमीना तर पता ही कोई नहीं हीरे वाले ने जो बंदे पुत्र आस्ते रख दे जिन्ना दे पुत्र गरीब उमर मेरे ओ पुत्र जेड़े जवान ने जन्नत दे सरकार दुश्मन हैरान होया दा यार ही समझ नहीं आंदी तेरे सटे होए ने लगया कि दे मुक्ति दा इक इलाका फरमाए मेरी उंगली दे विचाल मेरे बाबा सदा शामिल दा पिया वैदा पिया वैदा पिया वैदा पिया वैदा पूरी ताकत
जलसे बैठे अदब दा तकाज है जदा दी अली दी तुरण लगी आवाजी मेरा आखरी लफ्ज है कमीने ते अल्लाह दी लानत होवे लोए दा चाबक जा के ओ सोठ दे कोल है जिस ते अली दी थी सवार आई इस कमीने हेडा जोर नाल चाबक मारे चाचा उठ दा गोश्त फट गई है पिछला उठ नाल रल गया दा जदा इतना मरे नहीं तुरदा क्यों ने पिछा मुंह करके आदा किवें तुरा उदा मरे दे जदा ज़ैनब दा मराद पे पड़दी होवे आदा भावे मरवे आदा किवें तुरा उदा मरे दे जदा ज़ैनब दा मराद पे पड़दी होवे जन्नत में जामेन